पुरानी भिलाई स्थित विश्वास पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप में पिछले 6 वर्षों से कार्यरत कर्मी डोमेश कुमार ठाकुर की 27 साल की उम्र में हुए आकस्मिक निधन के पश्चात पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने शनिवार को स्वर्गीय डोमेश कुमार ठाकुर की माता श्रीमती मोतीबाई को 8 लाख रुपए का चेक सौंप कर उनके परिवार को आर्थिक सिंबल प्रदान करने की कोशिश की है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के समक्ष इस प्रकार से दी है। डोमेश कुमार ठाकुर 27 वर्षीय हमारे पुलिस पेट्रोल पंप में पिछले 6 वर्षों से काम कर रहा था। उसको महीने की 10,000 रुपये सैलरी मिल रही थी। उसका पुलिस द्वारा जो है HDFC लिंक्ड इंश्योरेंस जो है अकाउंट जो कॉरपोरेट खाता होता है वो खुलवाया गया था। उसका उसे बेनिफिट मिला कि उसकी अचानक मृत्यु होने के बाद उसकी माताजी को 8 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस चेक जो है HDFC बैंक द्वारा प्रदाय किया गया। पुलिस पेट्रोल पंप में जितने भी लोग कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं सभी का ये अकाउंट खुलवाया गया है जिससे अचानक मृत्यु होने पर उनके परिवार वालों को राशि जो है मिल पाए। इसी तरह हमारे जितने बाकी लोग भी हैं जो पुलिस से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं उनकी भी कोशिश की जाएगी कि ये अकाउंट खोले जाएँ जिससे कि मृत्यु होने पर उनको राशि जो है दी जा सके। पुलिस के लिए मैं बहुत सहयोग प्रदान करी, बहुत सहयोग भी इस परिवार के लिए एक लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता। मुझे 2-3 महीना उसके ख़त्म होने के बाद 2-3 माह के बाद मुझे पता चला साहब के जरिए से, पुलिस पंप वाले साहब और पुलिस विभाग वाले साहब के द्वारा मुझे पता चला 8 लाख रुपया प्राप्त हो चुका है मुझे।